ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय नगर के बिचला टोला इलाके में घर में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट होने लगे। एक के बाद एक कई धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। स्थानीय लोग दहशत से भर गए और घरों से बाहर निकल गए। ज्ञात हुआ कि एक घर में जहां पटाखा बनाने का कार्य होता है वहीं विस्फोट हुआ है। बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तथा भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त किया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर एसपी मनीष कुमार स्वयं पहुंचे और मामले की जांच की। उनके साथ डुमरांव एसडीपीओ आफाक अख्तर अंसारी भी मौजूद थे। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि फिलहाल एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। एफएसएल की टीम आने के बाद मामले की और गहनता से जांच हो सकेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि किस प्रकार रिहायशी इलाके में इस तरह का कार्य चल रहा था यह भी सोचने वाली बात है। हालांकि उन्होंने यह भी बता दिया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसने बताया कि वह 1990 से पटाखा बनाने का कार्य करता है। पहले उसे पटाखा बनाने का लाइसेंस मिला था लेकिन वर्तमान में वह बिना लाइसेंस के ही पटाखा बना रहा है। ऐसे में इस संदर्भ में भी उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मोहम्मद मुस्लिम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसके विरुद्ध रिहायशी इलाके में पटाखा बनाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। उधर स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस घटना के बाद घर में रह रहे लोगों ने पटाखे निकालकर गली तथा घर के बाहर फेंकने शुरू कर दिए। बाद में जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने गृहस्वामी मोहम्मद मुस्लिम को गिरफ्तार किया। हालांकि मोहम्मद मुस्लिम घर के अंदर बंद थे और घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद दरवाज़ा खुलाया और उन्हें गिरफ्तार किया। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि मोहम्मद मुस्लिम का एक लड़का मोहम्मद शहजाद इस दुर्घटना में घायल हो गया है, जिसे परिजन लेकर इलाज के लिए चले गए हैं। हालाँकि पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही। एसपी मनीष कुमार का कहना है कि आधिकारिक रूप से अभी किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, हालांकि स्थानीय लोग ऐसा बता रहे हैं, इसलिए फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जैसे ही यह जानकारी मिलेगी फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने यह कहा कि इलाके में किसी भी प्रकार से पटाखा आदि का निर्माण तो नहीं ही होना चाहिए और इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन को भी सूचना दी जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एफएसएल की टीम पहुंचती है तो मामले में और भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी। वहां से विस्फोटक बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 15 से 16 पेटी पटाखा बम एवं 5 से 6 बोरा बारूद बरामद किया गया है। लोगों का कहना है कि जब बम धमाके हो रहे थे तो लोग घबरा गए और लोग घरों के बाहर निकल गए। सबने देखा कि मोहम्मद मुस्लिम के घर से धुआं निकल रहा है। सब दौड़े भागे यहां पहुंचे तो यह देखा गया कि मोहम्मद मुस्लिम का परिवार घर के अंदर बंद है और घर में धमाके हो ही रहे थे। तब पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। लोगों ने यह कहा कि मोहम्मद मुस्लिम काफ़ी समय से यहाँ पटाखा बनाने का कारोबार करते हैं। निश्चित रूप से रिहायशी इलाके में पटाखा बनाना लोगों के जान और माल के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द इसको बंद कराए। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कुछ कहा सुनिए। मिला इसका 11:15 बजे जब हुआ तब मिला। क्या लगा उस समय? लगा कि कोई बम विस्फोट हुआ। फिर आप लोग यहाँ पर आए? हाँ, उसके 10-15 मिनट बाद पुलिस भी आ गई। उसके बाद पुलिस अपना कार्रवाई की। कैसे हुआ घटना? घटना ये लोग पटाखा बनाते हैं, इससे हुआ। पटाखे फटा था 15-20 तो बम पकड़ाया है पटकने वाला बारूद 5-6 बोरा सब पुलिस जब्त करके ले गई है। पहले भी इस तरह घटना हुआ था यहाँ पर? पहले यहाँ नहीं हुआ। तो पटाखा फटा तो कैसा, मतलब गांव में किस तरह का माहौल बना? माहौल अचानक लोग घबरा गए। हाँ। यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गया। सौ आदमी आ गए, फिर देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। उसमें कुछ लड़के जो बना हुआ रहा शायद भाई भी हुआ है। कितने लोग हैं? एक ही शायद भाई, वही भाग गया है सब। क्या नाम है उसका? लड़के का नाम तो मुस्लिम नाम है, इसलिए हम लोग उतना केयर नहीं कर पाते। शहजाद नवाब, इसी तरह नाम है। एक का नवाब नाम है, एक का शहजाद है, एक और है, तीन लड़का है। तो उसमें पूरा आग लग गया था, धुआं धुआं पूरे बिल्डिंग हुआ था। ये कौन सा टोला बोल जाते बोलते? ब्रह्मपुर बिचला टोला वार्ड नंबर 7। आपका नाम क्या है? हमारा नाम धीरेंद्र सिंह।